हेलो भाई लोग, कैसे हो आपका भाई पवन। तो मैंने पास के वीडियो में सीरम के बारे में बोला था कि आपके पास सीरम होना चाहिए, स्पेशली लड़कों के पास तो ज़रूर होना चाहिए। तो कई लोगों ने पूछा था सीरम पे डिटेल वीडियो बनाओ कि सीरम एक्चुअली में होता क्या है, कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाएंगे। ये बहुत लोगों ने पूछा था कि अपने बालों के टाइप के हिसाब से, अपने स्कैल्प के टाइप के हिसाब से कैसे आपको सीरम लगाना है। देखो स्पेशली इस मौसम में तो सीरम आपके पास होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बात होगी सीरम एक्चुअली में क्यों लगाना है, कौन सा लगाना है, कब लगाना है, कैसे एंड कितने अमाउंट में लगाना है। बहुत लोगों से गलती यहीं पे होती है क्योंकि अपने बालों के टाइप के हिसाब से कितने अमाउंट में आपको लेना है, यही यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोगों से होती है। तो आज के इस वीडियो में सीरम के ऊपर डिटेल में बात होगी। सबसे पहले यहाँ बात होगी सीरम एक्चुअली में होता क्या है। देखो सीरम का काम क्या होता है, हम लोग के बालों का जो बेसिक काम होता है, दो काम होते हैं। बेसिक काम ये होता है कि हम लोग के बालों को बचाना, एंड सेकंड काम होता है हम लोग के बालों को शाइनिंग स्मूथनेस देना। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपको कौन सा सीरम लगाना जो हम लोग के बजट में भी आ जाए एंड बहुत ज्यादा लंबा भी चले, क्योंकि हम लड़के बहुत ज्यादा कंज्यूज होते हैं, आपको पता ही होगा। तो बात यहाँ पे ये आती है कि लॉयल पैस का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम आता है जो हम लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के लिए काम की चीज़ है। क्यों? क्योंकि लड़कियाँ इसको लगाएंगी बहुत जल्दी उनका खत्म हो जाता है, हम लड़कों का ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हम लड़कों के बाल जो होते हैं ऑब्वियस ही बात है हम लड़कियों से बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो हम लड़के इसको लगाएंगे दो तीन में आराम से चलेगा, तो हम लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आपको उसको अपने बालों में कब लगाना होता है। देखो आप उसको अपने शैम्पू के पहले लगा सकते हो या हेयर ड्रायर के पहले लगा सकते हो, ऐसा प्रोडक्ट के पहले लगा सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल है, उससे पहले लगा सकते हो ताकि आपके बाल डैमेज ना हो उसको लगाने के बाद। या ऐसे भी लगा सकते हो अपने बालों में, सोने से पहले लगा लो, या फिर ऐसे लगा सकते हो कि आपने बाल सेट किए उसके बाद शाइनिंग के लिए अपने बालों में लगा सकते हो। तो ऐसे बहुत पर्पस होते हैं जब इसको आप लगा सकते हो अपने बालों में, स्पेशली शाइनिंग में भी बहुत ज्यादा काम आता है। आपके बालों में जो शाइनिंग होती है बहुत टाइम तक रहती है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, आपके सामने तीन वीडियो आ रही होगी, दो घंटे बाद की मेरी, छह घंटे बाद की, आधे घंटे बाद की, तीनों में आप देख सकते हो डिफरेंस। शाइनिंग अभी भी मेरे बालों में अवेलेबल है, तो शाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम आता था कि आपके बाल में सॉफ्टनेस जो होती है वो आए, आपके बाल फ्रीजी हो जाते हैं, उससे भी अपने बालों को बचाता है। साथ ही इसमें सिक्स बहुत रेयर फ्लावर ऑयल का कॉम्बिनेशन मिलाया हुआ, जैसे रोज़ हो गया, सनफ्लावर हो गया, लोटस हो गया, फ्लैक्स हो गया, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलाया हुआ, जिससे आपके जो बाल झड़ते हैं ना उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपको स्टाइलिंग भी मिल रही है, आपके बाल बच भी रहे हैं, आपका हेयर फॉल भी कम होता है। सीरम इस मौसम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बाकी मौसम में भी लगाना जरूरी होता है लेकिन इस मौसम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसको कितने अमाउंट में अपने बालों में लगाना होता है, यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देखो आपके बालों का टाइप कोई भी है सब इसको लगा सकते हैं, आपके स्कैल्प का टाइप कोई भी है सब के सब इसको लगा सकते हैं। देखो आपके बालों का टाइप ऑयली है, बहुत चिपचिपे या फिर बहुत थिन बाल है आपके, तो आप इसको दो या तीन ड्रॉप के आसपास लगाओगे इतना इनफ होगा। हम लोगों के बाल बहुत कम होते हैं, हम लोगों को थोड़े अमाउंट में ही चाहिए होता है। आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी, बहुत ड्राई, बहुत उलझे सुलझे बाल हैं तो आप इसको तीन से चार ड्रॉप लगा सकते हो, लेकिन आपके बाल बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं, बहुत ज़्यादा ऑयली है नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ तीन बूंदे लगानी है, आपको इतना इनफ होगा। भले आपके बालों का अमाउंट बहुत ज़्यादा है बात डिफरेंट है, लेकिन आपके बालों का अमाउंट एवरेज है जैसे लड़कों का होता है, तो आप तीन ड्रॉप लगाओगे इतना इनफ होगा। इसमें मैं खुद तीन ड्रॉप ही लगा। तो आपको उसको अपने हाथों में लेना है, अपने हाथों को रब कीजिएगा, उसके बाद अपने बालों में लगाना है, अपने स्कैल्प में मत लगाना है, अपने बालों में लगाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये बहुत सस्ता एंड बहुत एवरेज प्राइस में आ जाता है, ये 500 के आसपास 100 ml आपको मिलता है। 100 ml बहुत लंबा चलता है लड़कों के लिए, मैंने बताया हम लड़कों को बहुत कम अमाउंट में लगाना होता है, मैंने आपको बताया 2 से 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप इतने इससे ज़्यादा नहीं लगती है हम लड़कों के बालों में। तो आपका 3 से 4 महीने ईजिली चल जाएगा, 3 महीने तो आप दबा के ले ही लो, क्योंकि मैं खुद 3 महीने चला डालूंगा इतना मुझे पता है। तो आप आराम से इसको ले सकते हो, 499 का आपको मिल जाएगा 100 ml का। आप चाहो जहाँ जहाँ अवेलेबल होगा मैं सबकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।